बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक और पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट लिखा और लिखा है कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि देश के विकास के लिए किया उनका योगदान कोई नहीं भुला सकता। उन्होंने जमीनी स्तर से काम शुरू किया और देश के उप प्रधानमंत्री बने। उनकी संसदीय कार्यशैली हमेशा ही अनुकरणीय रही है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बाद बीजेपी के दूसरे नेता हैं जिन्हें देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। आडवाणी से पहले 23 जनवरी को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया गया था। अब तक 48 हस्तियों को भारत रत्न दिया जा चुका है। बात करें लालकृष्ण आडवाणी की तो 8 नवंबर 1927 को सिंध प्रांत पाकिस्तान में उनका जन्म हुआ। बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक लालकृष्ण आडवाणी जिन्होंने 1942 में आरएसएस के साथ जुड़कर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और वहां से उनका राजनीतिक सफर कैसा रहा है ये भी आपको बताते हैं। बीजेपी के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री तक का ये सफर बेहद खास रहा। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने कई पदों पर अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। 1947 से 1951 तक आरएसएस को उन्होंने संगठित करने का काम किया है और इसके बाद जिस तरह से उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिकाओं को निभाया, 1958 से 63 तक दिल्ली प्रदेश जनसंघ में सचिव रहे, 1972 में भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष नियुक्त हुए, 75 में आपातकाल के दौरान वो गिरफ्तार भी किए गए, तो 1970 से 1979 तक सूचना प्रसारण मंत्री के तौर पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। 80 से 86 तक बीजेपी के महासचिव और 86 में फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की पद की जिम्मेदारी तक उन्होंने संभाली। तो जमीनी स्तर से शुरुआत करके एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने तक का सफर बेहद खास रहा और वहां से फिर केंद्र सरकार में गृह मंत्री और उसके बाद फिर देश के उप प्रधानमंत्री बनने तक का भी सफर बेहद खास रहा। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें, ये दिल्ली से लालकृष्ण आडवाणी जी के निवास की है। कुछ देर के लिए वो जरूर आए सामने देखे, लेकिन मीडिया जो है वो भी अब कैप्चर करना चाह रहा है, उनका रिएक्शन लेना चाह रहा है। परिवार के साथ में वो नजर आ रहे हैं, अपनी बेटी के साथ में वो नजर आ रहे हैं। लालकृष्ण आडवाणी जी की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं और निश्चित तौर पर बेहद खास ये पल उनके और उनके पूरे परिवार के लिए, आडवाणी परिवार के लिए ये पल है। हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए पूरे देश का और मीडिया का वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें सीधे दिल्ली से लालकृष्ण आडवाणी जी की, जिन्हें भारत रत्न सम्मान से नवाजे जाने का ऐलान किया गया है। देखिए, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन में बहुत हर्ष व्याप्त है। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, हमारे सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, हमारे जो नीचे तक के इकाई के कार्यकर्ता हैं, उनकी ओर से आदरणीय आडवाणी जी को भारत रत्न मिलने पर बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी। बहुत खुशी की बात है। आडवाणी जी तो हम सब के लिए एक बहुत सालों से प्रेरणा देने वाले एक नेता भी हैं और एक व्यक्ति भी हैं, और उनका आज भारत रत्न मिलना, मैं मानता हूं कि उनसे कोई और नहीं है जो मोर डिजर्विंग हो। तो मैं उनको, उनके परिवार को और हम सब, हमारे भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के भीष्म पितामह, जिनको शीर्ष पुरुष कहा जा सकता है भाजपा में, ऐसे श्रद्धेय लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का फैसला मैं स्वागत करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी को, भारत सरकार को हृदय से धन्यवाद करता हूँ और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता जनार्दन की ओर से भी कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, वरिष्ठतम नेता आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने की जानकारी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दी है। ऐसे अवसर पर आदरणीय आडवाणी जी को हम सब बहुत बहुत बधाइयां देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। हमारे प्रेरणा स्त्रोत्र लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से गौरवान्वित करना ये पूरे देश के लिए और हम सब के लिए बहुत गौरव का क्षण है। आडवाणी जी ने अपना संपूर्ण जीवन देश के लिए और समाज के लिए समर्पित किया। उनके जीवन की शुरुआत से ही संघ के प्रचारक के रूप में उन्होंने अपने जीवन को समाज सेवा के लिए समर्पित किया था।
भारतीय जनता पार्टी में तो अटल आडवाणी एक तरह से जनसंघ के जमाने से लेकर के आज तक जिस प्रकार से उन्होंने अपना स्थान बनाया और ऐसे लगभग इतना लंबा संसदीय जीवन का जिनका अनुभव है, लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने पर मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूंगा। यशस्वी प्रधानमंत्री का आभार मानता हूं कि हमारे सबके लिए अत्यंत गौरव और आनंद का विषय है। सामाजिक जीवन के साथ साथ राजनीतिक जीवन में जिनका लंबा अनुभव है, ऐसे व्यक्ति को गौरवान्वित करने का प्रयास किया। सिद्धे लाल कृष्ण आडवाणी जी जिनके जीवन का एक एक क्षण भारत माता के चरणों की सेवा करते हुए गुजरा है, बीता है, केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, समाज जीवन के हर एक क्षेत्र में उनका जबरदस्त योगदान है और आज उनको भारत रत्न दिया गया है, ये फैसला बहुत स्वागत योग्य है। तो देखिए लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। फोन करके इस बात की जानकारी दी दादा को। बहुत खुशी है मुझे भी, पूरे परिवार को, कि दादा को इतना बड़ा सम्मान, देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है। निश्चित ही आज मुझे एक व्यक्ति जिसकी याद सबसे ज्यादा आ रही है वो मेरी माँ है, और माँ का दादा के जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है, निजी जीवन में भी और राजनीतिक जीवन में भी। दादा बहुत खुश हैं, मैंने जब दादा को बताया, मुझे पता लगा और मैंने दादा को बताया तो वो बहुत ही खुश थे, और उन्होंने यही चीज बोली कि जीवन में उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगाया, इसके लिए वो बहुत खुशगुजार हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हैं और देश की जनता का, जिनसे वो असीम प्रेम करते हैं, उनका भी बहुत धन्यवाद करते हैं कि जीवन के इस पड़ाव पर उनको इतना बड़ा देश का सबसे सर्वोच्च सम्मान मिला। बहुत धन्यवाद सबका। बहुत बड़ी बात है और आज मैं पुनः अपने प्रधानमंत्री का अभिनंदन करूंगा, उन्होंने ये बहुत बड़ी कहते हैं उपहार दिया है सारे देश को और कार्यकर्ताओं को कि आडवाणी जी को दिया भारत रत्न, तो उनको उचित सम्मान मिला है। हम लोग बहुत खुश हैं और कई मामलों में भारत रत्न का भी सम्मान मिला है।